मित्रों, आज हम नए सूत्रों की बात करेंगे, ज्योतिष के नए सूत्र। यदि चौथे भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में है तो व्यक्ति की शिक्षा बार बार बदलेगी और व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मित्रों राहु परिवर्तन का देवता है। राहु से परिवर्तन देखते हैं और राहु से संघर्ष देखते हैं। अब हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में छठे और आठवें भाव का संबंध है तो जातक जिंदगी भर बीमार रहेगा, मतलब उसको पूरी ज़िंदगी कोई ना कोई बीमारियां रहेगी यदि कुंडली में छठे और आठवें भाव का संबंध है। अब हम तीसरे सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में दूसरे, सातवें और दसवें भाव का संबंध है तो व्यक्ति वकील बन सकता है, क्योंकि मित्रों दूसरा भाव वाणी का होता है, सातवां भाव जनता का होता है और दसवां भाव कोर्ट का होता है, क्योंकि जितनी भी कोर्ट होती है वो सरकार की होती है। तो 2-7-10 का संबंध हो तो व्यक्ति वकील बन सकता है। वकीलों की पत्रिका में शुक्र तुला राशि का पाया गया है या बुध तुला राशि का पाया गया है या शुक्र बुध दोनों ही तुला राशि में पाए गए हैं, क्योंकि तुला राशि न्याय की राशि होती है और बुध शिक्षा का कारक होता है। तो पहले व्यक्ति को वकालत की शिक्षा लेनी पड़ती है तभी वकील बन पाता है। और शुक्र तुला राशि का स्वामी होता है इसलिए भी वकालत को बताता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की पत्रिका में और जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका में शुक्र तुला राशि का ही था और दोनों वकील थे। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में ही बैठे तो व्यक्ति की आयु लंबी रहती है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन की पत्रिका में बुध अष्टमेश होकर आठवें भाव में ही बैठा है, तो अभी आप देख सकते हैं 79 साल के हो गए हैं। परंतु मित्रों यहाँ पर ध्यान रखें, हम चंद्रमा को नहीं लेंगे, मतलब आठवें भाव में चंद्रमा स्वराशि है तो उसको हम नहीं लेंगे। अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि कुंडली में मंगल ग्यारहवें भाव में बैठे या मंगल का संबंध ग्यारहवें भाव से हो तो व्यक्ति को साउथ इंडिया से बहुत लाभ होता है। उदाहरण के लिए सलमान खान की पत्रिका में मंगल दशम भाव में बैठा है, परंतु ग्यारहवें भाव का स्वामी शनि ग्यारहवें भाव में बैठा है। मंगल शनि दोनों पास पास बैठे हैं तो भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार 2-12 की नाड़ी लिंक हो गई है, मतलब दोनों का कंजंक्शन हो गया है, युति हो गई है। तो मित्रों सलमान खान ने साउथ इंडिया की बहुत सारी पिक्चरों की रीमेक बनाई और बहुत सारी फिल्मों में 300 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए। तो मंगल का संबंध ग्यारहवें भाव से हो या मंगल ग्यारहवें भाव में हो तो व्यक्ति को साउथ इंडिया से अच्छा लाभ होता है। मित्रों अब हम अगले सूत्र की बात करेंगे। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे या आठवें भाव में बैठे तो व्यक्ति की आयु 12 साल तक ही रह सकती है, क्योंकि इसको बालारिष्ट योग बोलते हैं ज्योतिष की भाषा में, यह बहुत ही ख़राब योग होता है। परंतु यदि चंद्रमा तीसरे या आठवें भाव में बैठे और इस चंद्रमा का संबंध शनि से हो जाए जन्म कुंडली में तो व्यक्ति की आयु 12 साल से ज़्यादा की रहेगी, मतलब उसकी आयु को कोई ख़तरा नहीं रहेगा। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।